हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी और 5 मिनट में बनने वाला चटपटा नाश्ता। तो फ्रेंड, ऐसा नाश्ता बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 2 पोटैटो यानी आलू। अब हमने आलू को अच्छी तरीके से छील लिया है और इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। तो फ्रेंड, ये बहुत ही कम चीज़ों से बन जाता है। अब हम कद्दूकस को रख कर आलू को कद्दूकस करेंगे और हमें इसके लंबे लच्छे चाहिए। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी न्यू न्यू वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। तो फ्रेंड, ये देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया है आलू को अच्छी तरीके से। अब इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ एक ऑनियन जो मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे दोनों को। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न का आटा 2 चम्मच। इससे हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही क्रंची बनेगा। तो फ्रेंड, अगर आप किसी सफ़र में जा रहे हैं तो ये नाश्ते को आप कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रंची बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड, इसको 5 मिनट के हमें छोड़ देना है। अब इसके बाद हम अपने मसाले की तैयारी करेंगे। तो हम लेंगे मसालों में थोड़ा सा काली मिर्च, हमने 10 दाने काली मिर्च ली है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। तो फ्रेंड, मैं इसमें जीरा डालूंगी 1 छोटी चम्मच। अब इसे हमें अच्छा सा क्रश करना है, लेकिन हमें इसका ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसे ज़्यादा ज़्यादा कूटना है। तो फ्रेंड, अगर आपने वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड, ये देखिए मैंने थोड़ा सा दरदरा पाउडर बना लिया है। अब इसको मैं अपने इस मिश्रण में डालने वाली हूँ। ऐसे डालकर हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ सॉल्ट। तो फ्रेंड, मैं इसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाली हूँ। अब इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स करने वाली हूँ। तो फ्रेंड, अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं, और थोड़ा सा कलर देने के लिए। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ये बहुत ही जल्दी रेडी होता है नाश्ता और ये बहुत ही खाने में क्रंची होता है, क्योंकि ये आलू और कॉर्न के आटे से बनना है तो ये बहुत ही क्रंची होगा। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एक ख़ास चीज़ जो इस नाश्ते को बहुत ही अच्छा बना देगी। तो फ्रेंड, मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 एग। मैंने इसे डायरेक्ट ही डाल लिया है, आप चाहे तो इसे अलग से फोड़ के डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो फ्रेंड, एग से हमने जो डाला है इससे हमारा नाश्ता जो बनाएंगे हम वो फटेगा नहीं और बहुत ही क्रंची बनेगा। तो फ्रेंड, इसे हमें कम से कम 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि इसके जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो जाए आलू के अंदर। तो फ्रेंड, अगर आपको ये नाश्ता पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो आइए हम आगे के प्रिपरेशन करते हैं। तो फ्रेंड, मैंने एक तवा ले लिया है, आप चाहें तो पैन भी यूज़ कर सकते हैं। पर फ्रेंड, ट्रस्ट में यकीन मानिए, जब भी आप कोई क्रंची नाश्ता चाहते हैं तो आप उसे लोहे के तावे में बनाएं। उससे जो उसकी क्रंचीनेस है वो बहुत ही अच्छी रहती है और लॉन्ग लास्टिंग रहती है, क्योंकि पैन में बहुत जल्दी वो हीट छोड़ देता है, इसीलिए वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और हमारा नाश्ता उतना क्रंची नहीं बन सकता है। बट लोहे का जो तावा होता है वो बहुत अच्छी तरीके से ज़्यादा देर तक हीट रहता है। तो फ्रेंड, तावे को आपको सबको सबसे पहले अच्छी तरीके से हीट कर लेना है। जब आपका तावा अच्छी तरीके से हीट हो जाएगा तो तावे पर आपको तेल डालना है अच्छी तरीके से। हम 1 चम्मच तेल ले रहे हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हमें चारों तरफ फैला लेना है।
जब हमारा तेल अच्छी तरीके से हीट हो जाएगा तो हमें इसे और हीट करना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा अच्छी तरीके से पका चाहिए। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा तेल अच्छी तरीके से हो गया है। अब हम अपना तैयार किया हुआ मिक्सर इसमें डालने वाले हैं और इसे हम इस तरह से फैला लेंगे बराबर से। तो फ्रेंड ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही क्रंची और बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए। तो फ्रेंड इसे हमें कम से कम 3 मिनट तक कुक करना है अच्छी तरीके से, और इसे पलटना नहीं है जब तक ये अच्छी तरीके से कुक नहीं हो जाता है एक तरफ से। तो फ्रेंड 2 मिनट हो गए हैं, अब इसे हमें अच्छी तरीके से पलटना है थोड़ा ध्यान से। तो ये देखिए फ्रेंड कितना खूबसूरत कलर आया है, अब इसे हमें इस तरफ से भी कुक करना है। अब इसे हम इस तरह से भी 2 मिनट और कुक करेंगे। तो फ्रेंड ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है, मैक्सिमम 5 मिनट से। अगर आपको जल्दी कहीं जाना है तो आप ये नाश्ता बना के तुरंत खा के निकल सकते हैं। सपोज़ डेट अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है कुछ हेल्दी बनाने का, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे हिम्मत और साहस मिलता है आगे काम करने का। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड 2 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम उस तरफ से भी पलटने वाले हैं। तो फ्रेंड आप ये देखिए ये नाश्ता कितना क्रंची बना है, इसकी लेयर आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो रहा है ये, और ये बहुत ही डिलीशियस है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड नाश्ता रेडी है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारा फटाफट बनने वाला नाश्ता बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड अगर आपको ये नाश्ता पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि ये आलू और एग से बना है और एग हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर दीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल के बैंड टेक केयर।